सभी लोगों को मेरे चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं फिर से आप लोगों के साथ डीमार्ट शॉपिंग लेकर आ गई हूँ, क्योंकि जैसे आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखे कि हम लोग गए थे कोलकाता, कोलकाता में काली पूजा दिवाली सब सेलिब्रेट कर हम लोग वापस आ गए हैं। तो आते ही घर में कुछ सामान कम पड़ गए थे, तो चले गए डीमार्ट शॉपिंग करने। तो इस बार का शॉपिंग आप देख सकते हो, स्पेशली दाल स्पेशल है, क्योंकि दाल बहुत सारी ख़त्म हो गई थी, तो दाल वगैरह लाने के लिए हम लोग गए थे। उसके साथ साथ मैंने छोटे मोटे और भी चीज़ें ली हैं, कुछ कुछ मैंने यूज़ कर लिया है, क्योंकि आते ही मुझे उनकी ज़रूरत है। डीमार्ट का स्लिप प्राइस के साथ मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ, तो चलिए शेयर करते हैं, क्योंकि हर बार हम लोग एक ही चीज़ें नहीं लेते, कुछ कुछ अलग भी लेते हैं। तो इस बार दाल वगैरह है, कुछ अलग भी चीज़ें हैं, तो उनकी प्राइस कैसे थी, इसलिए मैं एवरी मंथ अपनी मंथली मार्केट जो होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और क्या होता है, अगर एक मंथ में हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं तो दूसरे मंथ हमें वही रह जाता है, कुछ कुछ चीज़ें तो रह ही जाते हैं, तो उनके बिना कुछ और चीज़ें हम लोग ले लेते हैं। तो इसीलिए दिन ब दिन हर महीने थोड़े ऑल्टरनेटिव चीज़ें हो जाती हैं और मेरी बचत भी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं। तो सबसे पहले दाल में आते हैं, क्योंकि दाल के आइटम्स थोड़े ज़्यादा हैं। चलिए, यहाँ पे मसूर दाल है 500 ग्राम, सारे दाल मैंने 500 ग्राम ही लिए हैं। तो मसूर की दाल मुझे 45 रुपीज़ में पड़ी थी। ये देखिए 45, हमने देखा यहाँ पे 37 लिया है। ओके, तो देख रहे हो आप 10 रुपीज़ के आसपास पूरा कम पड़ा है हमें। अभी जाते हैं मिक्स दाल, मिक्स दाल भी हमने 500 ग्राम लिया है, जो दाल खिचड़ी बनाने में बहुत काम आती है। यहाँ पे तो डीमार्ट में दाल खिचड़ी मिक्स चावल के साथ मिक्स कर भी दाल ऐसे सेल हो रहे हैं। तो मिक्स दाल में मसूर दाल है, तुअर दाल है, मूंग की दाल है, और मूंग की दो टाइप के दाल है, चने की दाल है, तो बहुत सारे दाल मिक्स्ड होते हैं। ये भी हमने 500 ग्राम लिया है, इसका प्राइस 61 है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका प्राइस क्या है। ये देखिए मिक्स दाल 500 ग्राम 51 रुपीज़, तो कितना देखा 61, पूरा 10 रुपीज़ का प्राइस कम है। तो इसके साथ आते हैं राजमा व्हाइट। राजमे दो तरह के होते हैं, एक रेड में होते हैं, व्हाइट में होते हैं। तो रेड का ना बहुत कलर छोड़ता है, तो इसलिए मैंने व्हाइट में लिए हैं, इसका 77 रुपीज़ है। राजमा है यहाँ पे, ये देखिए 64 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट आते हैं काबुली चना। काबुली चना भी मैंने 500 ग्राम ही लिया है, इसका प्राइस है 54 रुपीज़। तो काबुली चना का प्राइस है ये देखिए 45 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट आते हैं चना दाल। चना दाल सत्यम का है, ये देखिए 69 रुपीज़। ओके, तो चना दाल सत्यम चना दाल 64। तो मूंग की दाल है, मूंग की दाल का प्राइस है 100 रुपीज़। मूंग की दाल हमें मिली है 93 रुपीज़ में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हल्दी। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया है, 100 ग्राम 15 रुपीज़ होता है। और हल्दी का प्राइस क्या है, मेरे एवरी मंथ डीमार्ट शॉपिंग के वीडियोस है, आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। 18 रुपीज़, कितना ग्राम है। ओके, देखते हैं कितना ग्राम है, 100 ग्राम है, 18 रुपीज़। यहाँ पे हल्दी पाउडर 100 ग्राम 15 रुपीज़। ओके, चलिए, तो इस बार मैंने थोड़ा ओट्स लिया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने जैसे कहा है रोटी सब्जी मैं बहुत कम बनाती हूँ, रात को ज़्यादातर रोटी सब्जी बनाती हूँ, सुबह जल्दी जल्दी में इतना टाइम नहीं होता। तो मैंने इस बार ओट्स लिया है, और ओट्स के साथ आप और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ढोकला वगैरह दिया है, आप रोटी के आटे के अंदर भी ओट्स मिक्स कर आप ले सकते हो, वो भी आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अभी आटा भी आप जितना कम खाते हो उसके अलावा आप अगर ओट्स वगैरह खाते हो, क्योंकि जिनको शुगर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा शुगर तो होता ही है, तो अगर आप लोग ओट्स खाते हो तो और भी हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ जिनको आटे में प्रॉब्लम है, जिनको मेरी एक फ्रेंड है उसको आटे में प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादातर ओट्स ही खाती है, ये मैंने उससे सुना है।
और मुझे भी ब्रेकफास्ट में इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना क्विकर ओट्स मैंने देखा एक, तो वो ले लिया। इसका प्राइस है 77 रुपीज़, 400 ग्राम है। ओके, ये देखिए होल ग्रेन क्या क्या मिलता है इसमें। आप इसे फ्रूट्स के साथ भी, मतलब दूध के साथ फ्रूट्स के साथ भी खा सकते हो, और इसके और भी बहुत सारे आइटम बना सकते हो। अगर आप चाहो कमेंट करना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रोल्ड ओट्स, मुझे ओट्स बहुत पसंद है, मैं दूध के साथ ज़्यादा पसंद करती हूँ इसे खाना। जल्दी जल्दी में जो काम हो जाए वो ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, ये देखिए यहाँ पे सारी टिप्पणी आपको मिल जाएंगे क्या क्या कैसे कैसे इसे यूज़ करना है। तो जैसे कहा मैंने 400 ग्राम 77 रुपीज़ है। अब इसका प्राइस देखते हैं क्या है। क्विकर ओट्स यहाँ पे 71 रुपीज़ लिया है। ओके, तो इधर मैगी लिया है मैंने, आटा मैगी। जैसे मैंने कहा है कभी कभी अगर मन करता है तो नॉर्मल मैगी खा लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हम लोग आटा मैगी खाते हैं, वो भी महीने में 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। तो आटा मैगी का प्राइस है 78 रुपीज़, फैमिली पैक है, दोनों 78 रुपीज़ के हैं, मतलब एक एक 78 रुपीज़ है। दोनों मिलाकर क्या होता है प्राइस देखते हैं। तो मैगी वेज आटा 72 रुपीज़ हमें लिया है, तो दोनों मिला के 144 रुपीज़ हुआ है। नेक्स्ट, हाँ, भगवान जी का मैंने जैसे खजूर लिया था 500 ग्राम 178, ये मेरे पहले वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी है। और भी कुछ कुछ छोटे मोटे चीज़ें लिए थे उसके साथ साथ। अभी ये सॉस लिया है एक, क्योंकि कभी कभी घर में पकौड़े वगैरह कुछ खाना हो जाता है, तो उसके साथ अगर सॉस हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस बार मैंने 200 ग्राम का लिया है 56 रुपीज़ में, एक बॉटल ही ले लिया है क्योंकि वो कांच के बॉटल में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रहा मैगी टोमेटो के 200 ग्राम। देखते हैं फंडूस का मेयोनीज लिया है, अगेन ब्रेकफास्ट में बहुत हेल्पफुल होता है, और वैसे भी आप अगर फ्रूट्स के ऊपर इसको लेकर खाते हो या फिर सैंडविच के ऊपर या फिर जो सलाड होता है उसके साथ अगर आप इसे मिक्स कर कर खाते हो, बहुत ही यम्मी टेस्ट होता है। चाय के साथ सैंडविच बना लीजिए मेयोनीज का, बहुत यम्मी यम्मी होता है। तो इसका जो प्राइस है 35 रुपीज़ और 100 ग्राम है। ये वेज ही है, ओरिजिनल वेज वेज वेज, हाँ वेज है। इसका साइन मतलब वेज है, अगर यहाँ पे रेड होता है डेट मीन्स वो नॉन वेज है। ओके, मतलब अंडा दिया होगा, तो ये वेज है। तो क्या प्राइस देखा मैं, क्या प्राइस देखा यहाँ पे, 35 रुपीज़ 100 ग्राम का। तो चलिए जान लेते हैं फन फूड 100 ग्राम का 30 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट आता है कोलगेट। ये कोलगेट हम जब ट्रैवल करते हैं तब ये छोटा पैक लेकर जाते हैं, नहीं तो हम लोग बड़ा पैक ही यूज़ करते हैं। तो छोटा वाला पैक ख़त्म होने को आया है तो हमने सोचा एक रखना चाहिए लेकर। तो 50 रुपीज़ 5 ग्राम का, ये देखिए 105 ग्राम का, कितना देखा 50 रुपीज़। और ये देखिए हमें ये यहाँ पे कोलगेट 46 रुपीज़ में मिला है। ओके, नेक्स्ट वीट आप लोग यहाँ पे देख लो, एलोवेरा का मैंने लिया है 185 रुपीज़ लिया है। तो ये है वीट, छोटे छोटे जो लेती थी मैं पहले, 100 ग्राम का है ये मेरा, आराम से मुझे 6 महीना चल जाता है, महीने में एक बार मैं सिर्फ वीट यूज करती हूँ हेयर रिमूवल के लिए। ओके, तो आराम से मुझे 6 महीना चल जाता है। तो एलोवेरा फ्लेवर का है, मैं और भी फ्लेवर के यूज कर चुकी हूँ, और मैंने पहले छोटे छोटे जो आते थे डब्बे मैं वो लेती थी, छोटे छोटे पाउच वाले लेती थी, तो वो मुझे मतलब बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता था। तो मैंने एक बार ये बड़ा वाला लेके देखा, मुझे आराम से सच में 6 महीना चल जाता है और बहुत हेल्पफुल होता है, बचत भी होती है, तो मैं इसलिए बड़ा वाला ही। इसके साथ मैंने अपने लिए एक छोटा सा लिटिल हट लिया है, ये मुझे बहुत फेवरेट है। चलिए इसका भी प्राइस देखते हैं क्योंकि लिटिल हट बहुत खरीद के खाते हैं। नहीं, 20 रुपीज़ है,
शायद 20 रुपीज़ सही है। देखिए 20 रुपीज़, 2 रुपीज़ हमें कम मिला है। 5 रुपीज़ का तो हम बहुत ही खाते हैं लेकर, तो बस मैंने वहाँ पे बड़ा देखा तो एक ले लिया। और भी छोटे मोटे बिस्किट वगैरह थे जो मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं, आते ही वो बाहर चले गए मुझे अकेला छोड़कर, तो वो सब लेकर गए हैं। और भगवान जी का जैसे खजूर लिया था मैंने, और दूध वगैरह मिठाई वगैरह कुछ थी, ये सब चीज़ें थी। तो बस आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मैं एवरी मंथ आप लोगों के साथ मेरा डीमार्ट शॉपिंग आप लोग शेयर कर, तो आप लोगों को कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करना और ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा कि हम लोग, ठीक है, हम लोग जो भी किराने की दुकान से लेते हैं, अगर उन्हें भी जाके ये कहते हैं जो ये प्रोडक्ट में हमें लिखा है ऐसा प्राइस, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा कम लीजिए, इतना प्रॉफिट रखने की क्या ज़रूरत है। तो अगर हम लोग उनको ये बात कहते हैं, आई थिंक वो सुनेंगे, क्योंकि उन्हें भी बहुत कंपटीशन देने वाले लोग आ गए हैं ना। देखिए आप लोग कोशिश कर कर, और वैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी अभी हो गया है, हम लोग अमेजोन से ऑनलाइन ग्रॉसरी भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी ऑफ चलता है, पर वही किराने की दुकान से हम लोगों को ज़्यादातर आसानी होती है। तो चलिए आज के लिए मैं चलती हूँ, जो लोग नए हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल आइकन के साथ, और भी प्यारे प्यारे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स अभी नए नए आए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया है तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। तो अभी मैं चलती हूँ, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।